हमारे अपने गोलाबार में ऐसा जिम है जो शायद ही पूरे उत्तराखंड में हो। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल केतन नोला व्लॉग्स। यार जो हमारा आज का व्लॉग है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है, थोड़ा हटके होने वाला है हमारी डेली ब्लॉगिंग से, बिकॉज आज हम जाने वाले हैं द फिटनेस डेन। और ये है क्या चीज़, ये आप लोगों को मालूम चल जाएगा, तो बिना किसी देरी के चलते हैं फिटनेस डेन, लेट्स बिगिन। यार ये है द फिटनेस डेन, और हाँ आप चलते हैं अंदर, आपको मिलाते हैं जो यहाँ के जिम ओनर है, और एक खास चीज और है वही बताएंगे आपको सब कुछ, लेकिन थोड़े विस्तार के साथ। तो यार ये है स्टार्टिंग पॉइंट फिटनेस डेन का। हेलो ब्रदर, कैसे हैं आप? हेलो भाई, अब बताइए, आज बहुत टाइम बाद टाइम मिला आपको भी हमको भी इस बारे में बात करने में। ये फिटनेस डेन है, अब मतलब क्या सोचते हैं, नाम रखा है फिटनेस डेन? फिटनेस डेन है सेल की दुकान। अच्छा, हाँ सेल आता है। ओहो, पॉइंट भी लोडेड करो ना, शेयर आते हैं ओनली। अच्छा, और जो आगे फ्लैग पे उसमें अलग अलग, मतलब इसकी क्या थीम है? ओवरऑल इसकी थीम है यहाँ के एथलीट टॉप मोस्ट होते हैं। हाँ, टॉप मोस्ट। अच्छा, जितने ने चले टू फिर छोटा सा चले। ओके, तो चलते हैं। बाकी यार ऑन के लिए स्पेशल थैंक है, बिकॉज अभी यहाँ कैमरा स्टैंड करने का कोई हमारा जुगाड़ नहीं हो पाया, जो देसी जुगाड़ जो बोलते हैं वो हो नहीं पाया उस वजह से। खुद डिसाइड करी हुई है यार, ये रैंडम थीम्स है। और हाँ, नैनीताल में शायद ही कोई ऐसा जिम हो इस लेवल का। तो भाई देख लो, हमारे अपने गोलाबार में ऐसा जिम है जो शायद ही पूरे उत्तराखंड में हो, तो समझ सकते हो ये रिव्यूज मुझे बाहर से मिले। नहीं, वो सही बात है, देखो जब बाहर के लोग बोलते हैं तब अच्छा लगता है, बाकी अपने लोग तो हम तो बोलेंगे बोलेंगे, लेकिन जब भारत रॉड बोलता है तो ज़्यादा बेटर है। टेस्ट करते करते टाइम कितना हो गया कम्प्लीटली अभी? क्या मुझे 10-11 साल हो गए हार्डकोर ट्रेनिंग। बाकी यार अभी ऑन टी शर्ट है, जैसे ही थोड़ा सा ऑफ होगी अभी एक्सरसाइज भाई करेगा तब दिखाऊंगा आपको जो पूरे 10 साल की मेहनत है वो है कितनी, ठीक है? और हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा हटके होने वाला है, तो प्लीज़ आप बताना आपको कमेंट्स में कि कैसी लगी वीडियो, अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो ऐसी और वीडियो बनाएंगे यार, लेकिन सिर्फ आपके कहने पर। और हाँ, आज एक खास वजह ये भी थी, थोड़ा तसल्ली से बात करते हैं, बाकी भाई थोड़ा एक्सरसाइज कर रहा है इसके बाद, ठीक है, लेट्स गो।
फाइनली आवर ब्रो इज हियर, नेशनल लेवल चैंपियन पोजीशन 2, बहुत बढ़िया गुड टू गो। अब थोड़ा बात करते हैं भाई से, कंपटीशन नाम क्या था भाई? सूर्य क्लासिक, नरेश सूर्य क्लासिक 2022, जिसका वेन्यू था न्यू दिल्ली। बाकी जो कंपटीशन था वो था 29th of May, जिसमें भाई की थी सेकंड पोजीशन। मैं थोड़ी सी वीडियो है जो अटैच कर दूंगा, आप लोग देखना उसमें। एंड सेकंड प्लेस गोस टू ट्रक नंबर 340। ओ भाई 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 भाई, बधाइयां बधाइयां। थे मेरे उसमें थे 78 कॉम्पिटिटर थे मेरे। अच्छा, 78 प्लेस मेरी आई है। कैटेगरी मेरी 175 सेंटीमीटर हाइट। अच्छा, तो उसमें वेट के अकॉर्डिंग नहीं होता इसमें? हाइट कैटेगरी। अच्छा, हाइट नहीं। चलिए ठीक है, थोड़ा यहाँ ज़्यादा हमको इतनी नॉलेज तो है नहीं, बस जितनी भी नॉलेज है आपसे शेयर कर रहे हैं अभी। तो ब्रो, हाउ इज़ द एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा टफ होता है लास्ट वीक में। तो फिर लास्ट के जो 3-4 डेज होते हैं कॉम्पिटिशन से पहले, वो कितने टफ रहते हैं, कितने ईजी रहते हैं? सबसे टफ रहता ही वही है, लास्ट वीक रहता है हमारा वीक में, आपका सॉल्ट वाटर सब कम हो जाता है। बहुत नेग्लिजिबल, मतलब बहुत लेस क्वान्टिटी हुई, बहुत लेस। लास्ट दिन तो मतलब मेरा तो 0 ही था वाटर, नहीं फर्स्ट डे मेरा 200 ml था। जो लोग कहते हैं, जो समझते हैं कि यार पाउडर खा के बॉडी बन जाती है, एक बार ट्राई करना वो पाउडर खा के। पाउडर फ्री है मेरी तरफ से उसको। वही मैं कह रहा हूँ, हाँ पाउडर फ्री है। अगर जो ऐसा बोलते हैं, सोचते हैं कि यार पाउडर खा के बॉडी बन जा, ऐसी बॉडी बन जाती है, कैसी बॉडी बन जाती है, एक बार ट्राई करना तसल्ली के साथ। खर्चा हम उठाएंगे पूरा पाउडर का, आपको पता चल जाएगा। बाय द वे, भाई का एक कॉम्पिटिशन मैंने और अपलोड किया था वीडियो में, आप लोग को मैं पिन कर दूंगा, देखना ज़रूर। इसमें भाई की पोजीशन मतलब हमारे अकॉर्डिंग तो वो नहीं था उस लेवल का, बट सही था, इट वॉज गुड। ओके, पिन कर दूंगा, देखना ज़रूर। और हाँ, बाकी भाई से पूछते हैं, भाई के साथ गया था तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, ये बताइए आप। कितना आपने भाई का जो गुस्सा था, एंगर था, वो हैंडल किया, किस तरीके से हैंडल किया? गुस्सा ही एंगर करने में थे भाई। तो यार देखो, होता क्या है ना, एक तो इंसान थका होता है, तो कोई भी छोटी मोटी अगर कोई थोड़ा बोल दो यार, इंसान का माइंड मतलब वो अलग उसमें लेवल में होता है। क्यों? बाकी यार भाई ने सपोर्ट बहुत किया है भाई के लिए। बट कोई ना, जो नेक्स्ट कॉम्पिटिशन होगा उसमें पूरी टीम जाएगी हमारी, अच्छे से चेयर अप करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और जो भी रिजल्ट होगा वो अच्छा ही जाएगा। एक बार पूरा ओवरऑल जिम का लुक देख लो यार, ये है फिटनेस जेन, और इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो मेंशन कर दूंगा, नियर BOB, बाकी वो तो मेंशन कर दूंगा, आप लोग देख लेना।